कौन हो तुम? भयंकर पर बुराई की महारानी भयंकर पर, और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा अपनी माँ के साथ। तुम ना तो महागजनी के साथ रहोगे और ना ही परियों के साथ। तुम भाग के नहीं जा सकते गज्जू, क्योंकि तुम तो इस युद्ध में मेरे सबसे बड़े हथियार हो। तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? सचिन, अगर हो गई हो तुम्हारी सारी चालें खत्म, तो अब मैं मोंटू को ठीक करूं। ओ बल्लू लल्लू, तू कैसे ठीक करेगा मोंटू को? अभी तो बड़ा शेर बन रहा है ना, मोंटू के सामने आते ना तू चूहा बन जाएगा। अरे मेरा मतलब है कि मैं बालवीर को बुला के मोंटू को ठीक करता। नहीं, मुझे एक आखिरी कोशिश करने दो, और मुझे मालूम है कि मेरी ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। अच्छा, तो इस बार कौन सा नया आइडिया है? बताता हूँ, इसीलिए तो यहाँ तुम सबको बुलाया है। सचिन मेरी बात मान, रहने दे, पहले ही हमारा बहुत मजाक बन गया। अट्टा माटी फटक ली। मजाक तो अब उस मोंटू का बनेगा। अच्छा, वो कैसे? मेरी इस टिप्पू गम से, जिसे मैं एक जगह लगाऊंगा और फिर मोंटू को उस पे बिठाऊंगा। उसके बाद मोंटू वहां से उठ नहीं पाएगा। हाँ, फिर हमें किसी और जगह पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोंटू रिसेस में आके इसी बेंच पर बैठता है। अरे यार, ये रोहित केवल कहाँ रह गए? कोल्ड ड्रिंक लाने वाले थे। कितनी गर्मी है यार। ये पिद्दियों की टीम ऐसी छुपी हुई क्यों है, और ये किसे देख रही है? छुपे भी तो मेरी कार के ही पीछे। अभी मजा चखाता हूं। ये मोंटू वापस क्यों जा रहा है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मोंटू तो चला गया। चल अब हम पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर छुपने का कोई फायदा नहीं। ए भाई, मोंटू ने अगर देख लिया तो वार लग जाएगी। यही चुप। उन्हें तो कहा था कि दाल में कुछ काला है।
हाँ तो मानो वो सचिन का मुंह खा ला है। ए! ए! ए मानो, इतना मार खाने के बाद भी तूने सचिन को समझाया नहीं? अरे मोंटू जी, मैं तो इसे समझा ही रहा था, पर इसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। सच्ची मोंटू जी, हाँ। ठीक है, लेकिन अभी आँख खोलकर सुन ले। अगर ये सचिन नहीं माना, तो उसकी सजा तुझे मिलेगी। मतलब गलती ये बेवकूफ सचिन करेगा और उसकी मार तुझे मिलेगी। समझा? अब भाग इधर से। देखा इन पिद्दियों का कैसे बैंड बजाया। लेकिन बॉस, अगर इन लोग ने बालवीर को बुला लिया ना, तो बालवीर आके तुम्हारी बैंड बजा के जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे उसमें कौन सी नई बात है बॉस, बिना सोचे समझे काम करना आपकी पुरानी आदत है। ये काम मैं सोच कर नहीं करता। अब चलो वो लोग बालवीर को बुला ले, इससे पहले हम उन्हें रोकते हैं। कुछ कीजिए रानी परी, हम अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे, कुछ कीजिए। ये कैसी मुसीबत आ गई है रानी परी। घबराइए मत परियों, हम अभी इस धुएं को हटाते हैं। आप सब ठीक तो हो ना? जी रानी परी, अब हम सब ठीक हैं। पर ये अचानक से बादल कहाँ से आ गए और इनमें से ये धुएं वाले गोले कैसे गिरने लगे? हमें तो लगता है कि ये सब भयंकर परी ने ही किया है। लेकिन बाल परी, भयंकर परी अचानक दिन के समय वार क्यों करेगी? जो भी हुआ, शुक्र है कि कम से कम उसका वार तो बेकार हो गया। लेकिन परियों, गज्जू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा वो। इस अचानक हुए हमले में हम गज्जू को तो भूल ही गए। कहाँ होगा गज्जू? चलिए हम सब गज्जू को ढूंढते हैं। हाँ, वो यहीं कहीं होगा। हाँ, चलो गज्जू, 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 गज्जू कहीं नहीं मिल रहा है। परियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमला हम पर नहीं बल्कि गज्जू पर था और वो काले बादल गज्जू को अपने साथ ले गए हो? रानी परी, अगर ऐसी बात है तो हमें महागजनी को यहाँ पे बुलाना चाहिए और ये बात बता देनी चाहिए। नहीं परियों, हमें लगता है कि इससे पहले हमें बालवीर को यहाँ बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर गज्जू किसी खतरे में है तो महागजनी के आने से पहले बालवीर को गज्जू को ढूंढना ही होगा। हाँ, अगर महागजनी को गज्जू के गायब होने के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेगी। रानी परी, आप सही कह रही है, हम अभी बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर, 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 क्या हुआ रानी परी? अरे आप सब इतनी परेशान क्यों हैं? बालवीर, गज्जू खो गया है और हम सबको लगता है कि भयंकर परी ने उसका अपहरण किया है। क्या? परियों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप सबको गज्जू का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि वो आप सबकी जिम्मेदारी थी। हाँ बालवीर, हम जानते हैं, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि हम हमले के मकसद को समझ ही नहीं पाए। बालवीर, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस सबको हम ठीक कैसे करें? हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि महागजनी के आने से पहले हम गज्जू को ढूंढ निकालें। लेकिन रानी परी, ये भी तो हो सकता है कि गज्जू आक्रमण की वजह से डरकर कहीं छुप गया हो, इसलिए हमें सबसे पहले गज्जू को परीलोक में ही ढूंढना चाहिए और जिसे भी गज्जू सबसे पहले मिलता है वो यहाँ आके रानी परी को बता देगा। हाँ बालवीर, ये भी ठीक है। तो परियों, सबसे पहले हम गज्जू को परीलोक में ही ढूंढेंगे। जी रानी परी।
मैं कह रहा था? बस अब तो चुपचाप बैठ। अब बेस्ट यही है कि बालवीर को बुलाया जाए। ठीक है, यही सही है। अब समझ में आया कि नहीं तुम्हारे? मानव, तुम बालवीर को बुलाओ। बालवीर! देखा, हमें इतना लेट कर दिया बालवीर को बुलाने में कि बालवीर भी चाहता है ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करें। अरे तुम सब समझ नहीं रहे हो, बालवीर इनडायरेक्टली कह रहा है कि हम सब मोंटू से पिटे। लेकिन अगर बालवीर नहीं आए तो मोंटू से निपटेंगे कैसे? नहीं भाई, नहीं, मुझे नहीं निपटना। मैं तो तुझे भी समझा रहा हूँ, पर तेरे तो आत्ता मजी फटक ली है ना, आत्ता मजी फटक ली, आत्ता मजी फटक ली कह कर तू हीरो बन रहा था। बनने चले थे सिंगम, और माउंटेन ने इसे चिंगम बना के चिपका दिया है। अट्टा वैसे ही चिपके और मुंह बंद। और तुम सब कौन सा हीरो? एकदम जीरो बन जाते हो तुम सब माउंटेन के सामने, स्पेशली तुम मानव। माउंटेन जी सचिन, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो प्लीज। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, लड़ने का शौक किसे है, मुझे नहीं। ओ हेलो, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी बहन सलोनी के लिए लड़ रहा हूँ। अरे यार ये लड़ क्यों नहीं रहे? लड़ो लड़ो सचिन, मारो, लड़ो मारो मारो। मुझे नहीं, मैं कह रहा था सचिन और मानो एक दूसरे को मारो गधे। बॉस अब वो लड़का रहे, लड़ नहीं रहे तो मैं उन्हें लड़ाऊंगा और मैं मजे से लड्डू खाऊंगा। ये सचिन और मानव एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन रहे थे ना, अब देखना मैं इनको एक दूसरे का कैसे दुश्मन बना देता हूँ। गज्जू कहाँ हो तुम? गज्जू पता नहीं कहाँ चला गया ये गज्जू। मुझे गज्जू को छल लोक में ढूंढना चाहिए। गज्जू 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 विस्तार परी उस तरफ चलते हैं, शायद गज्जू वहां हो। हाँ गज्जू 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 अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहां ढूंढे गज्जू को। गज्जू 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 कहां हो तुम? गज्जू 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 नहीं तरफ पर, गज्जू यहां भी नहीं है, कहां ढूंढे हम उसको लटखट परी? अगर गज्जू नहीं मिला तो न जाने क्या होगा। वहां देखते हैं, चलो। गज्जू 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 कहां गया? गज्जू गज्जू मोंटू, तुम उनके ऊपर क्यों बैठ गए? सर, आप ही ने कहा ना कि जाकर बैठ जाओ, इसलिए मैं आकर बैठ गया। अब क्या आज्ञा का पालन कर रहा था।
अरे अपनी सीट पर जाके बैठो। तो बच्चों ये हैं सचिन और ये हैं सलोनी। सर मैं हूँ सचिन और ये सलोनी। हाँ हाँ वही वही। तो बच्चों ये नए स्टूडेंट्स हैं, आज से ये आपकी क्लास में आपके साथ पढ़ेंगे। सर सिर्फ पढ़ेंगे खेलेंगे नहीं? हाँ हाँ खेलेंगे भी। सचिन और सलोनी अपनी सीट पे जाके बैठो। थैंक यू सर। तो बच्चों अब बड़ी क्लास में पढ़ाई भी टफ होती जाएंगी, इसलिए मैं आज एक मुश्किल सवाल पूछूंगा जो है कि मोंडू कब सुधरेगा। बैठो बैठो। हाँ हाँ ये भी एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये है कि वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं। सर मैं बताऊं? शाबाश मानो, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम ही जवाब दोगे। अरे वाह सचिन और सलोनी, तुम्हें भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है? सर वो मानो तुम रुको, सचिन तुम बताओ। धरती के भीतर मेंटल नामक पत्थर जब पिघलकर ऊपर की ओर बढ़ता है तो क्रस्ट से संपर्क में आने के कारण गैसेस बनती है जिससे ज्वालामुखी फटता है। वाह बिल्कुल सही, वेरी गुड। वाह सचिन वाह। मोंटो तुम ताली क्यों बजा रहे हो? सर मैं तालियां इसलिए बजा रहा था क्योंकि आज पहली बार मानव की तरह कोई इंटेलिजेंट बच्चा हमारी क्लास में आया है और इसीलिए मैं उसे ये पेन गिफ्ट करना चाहूंगा। शाबाश मोंटो, वेरी गुड वेरी गुड। सचिन ये पेन है ना, ये पेन एक प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को दिया था लेकिन आज वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तालियां बजाओ तालियां। हो गया तुम्हारा, सीट पे बैठो। बच्चों मुझे भी उम्मीद है कि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? सर आइए आइए। थैंक यू सर। तो बच्चों ये हैं गजानंद सर, आज से ये आपको मराठी सोशल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुझे पता था एक ना एक दिन मैं तुम सबको जरूर पढ़ाऊंगा। सर हमें भी मालूम था इसलिए तो हमने स्कूल में एडमिशन लिए। बच्चों मेरा ये मानना है कि जो बच्चा रोपा मापा में विश्वास रखेगा वो हमेशा अव्वल आता है। अरे बच्चों तुम्हें रोपा मापा नहीं पता? कोई बात नहीं बच्चों, ये तुम्हें सर बताएंगे। रोपा मापा का मतलब है कि वो मुझे भी नहीं पता। बच्चों ये सर बताएंगे, रोपा मापा का मतलब है रोज पढ़ना और मन लगाकर पढ़ना। सर मानव तो मन लगाकर नहीं पढ़ सकता। क्यों बेटा? क्योंकि वो तो चश्मा लगाकर पढ़ता है। साइलेंस। बच्चों दूसरी बात ये है कि गजानंद सर सलोनी और सचिन के डैडी भी हैं। बढ़िया है, अब गजानंद सर के नाम पे गिराऊंगा मैं मानव और सचिन को। इंटेलिजेंट, समझदार, अच्छे बच्चे। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो ना? बॉस अपनी तारीफ के लायक कोई काम किया आपने कभी? अगर आपको कुछ कहना ही होता ना तो हम आपको
आलसी, कामचोर, बेवकूफ, हाथी, गेंडा कहते हैं। हाँ, बॉस, हम ये तारीफ इंटेलिजेंट किड्स के बारे में कर रहे थे। इंटेलिजेंट किड्स? अरे बॉस, एक काम तो ढंग से किया करो। किया ना? और हाँ, मैं क्या चीज हूँ ना, मुझे पता है, बट तुम्हें क्या हो गया? बॉस, हमको कुछ नहीं हुआ है, हुआ तो आपको है। अपन इंटेलिजेंट किड्स की तारीफ कर रहे थे, इंटेलिजेंट किड्स की। हाँ बस, सोचो कितना दर्द हुआ होगा हमारे दिलों को। चुप करो, वरना थप्पड़ दूंगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। मतलब? इधर इधर। अरे बॉस, जब आप उन इंटेलिजेंट किड की तारीफ करते हो ना, तब डर लगता है। उन्हें हमारे हिस्से का पिज्जा बर्गर दे देते हो ना, तब डर लगता है बॉस। हाँ, बॉस, पहले वो तो मानो मेहर कम थे क्या, जो और दो आ गए। और बॉस, आप उन्हें ठीक करने की जगह उनकी तारीफ करते हो। बॉस, आपको समझ में नहीं आता है, आपकी टेंशन ना आपके पेट की तरह डबल हो गई है। हाँ। चुप करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। अरे तुम्हें समझ में आएगा भी कैसे, तुम्हारे पास माउंट टू द ग्रेटेस्ट लखानी जितनी अकल का है। आप पे और अकल। रेगिस्तान में पानी मिल सकता है, लेकिन आप में अकल का कोई चांस ही नहीं है। मेरा टेंशन डबल नहीं हुआ है, बल्कि मेरा टेंशन आधा हो गया है। हाँ, वो इंटेलिजेंट किड्स को मैं ठीक नहीं करूंगा, वो दोनों एक दूसरे को ठीक करेंगे। मतलब डिवाइड एंड रोल, वो दोनों जाएंगे काम से और हम रहेंगे आराम से। कुछ समझा नहीं, बस थोड़ा डिटेल में बताओ ना। देखो, वो दोनों जब तक फ्रेंड्स है, वो दोनों मेरे लिए टेंशन है, बट अगर मैं उन दोनों के बीच में लड़ाई लगा दूं, तो वो दोनों मुझसे नहीं लड़ेंगे, वो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। वाह बॉस, लेकिन आप ये करोगे कैसे? जानना है? हाँ। वाह बॉस, कैसे लगा? मस्त। परियों, गज्जू का कुछ पता चला? नहीं रानी परी, हम सबने हर जगह ढूंढ लिया, पर गज्जू का कोई पता नहीं चला। और आपने, क्या आपने सारे लोगों में देखा? हाँ रानी परी, हम मायावी लोग, सुनहरे लोग, हर लोक में ढूंढने गए थे, लेकिन हमें कहीं नहीं पता चला। हाँ रानी परी, गज्जू को लेकर हम सबकी चिंता और बढ़ गई है, समझ में नहीं आ रहा कि अब करें भी तो क्या करें। अब तो सिर्फ बालवीर से ही आशा है, शायद उसको कुछ पता चले गज्जू के बारे में। ठीक कहती हूँ परी। बालवीर, आपको तो गज्जू के बारे में जरूर कुछ पता चल गया होगा। नहीं रानी परी, मैंने भयानकलों का और छल लोग का चप्पा चप्पा छाना है, लेकिन गज्जू मुझे कहीं नहीं मिला। पर ऐसे कैसे हो सकता है रानी परी, किसी ना किसी लोग में तो होना ही चाहिए भयंकर परी को गज्जू के साथ। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, भयंकर परी अचानक कहाँ गायब हो गई? हाँ रानी परी, क्योंकि हमने अदृश्य दिखाओ यंत्र से भी हर जगह खोजा, अगर वो अदृश्य भी होती तो हमसे छुप नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो हमें कहीं दिखाई नहीं दी। अब हम क्या करेंगे रानी परी, हमें गज्जू को तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ रानी परी, ऐसी कौन सी जगह है जो हमारी नजरों से बच गई? बड़े आश्चर्य की बात है परियों, अगर हर लोक की हर सीमा में हमने देख लिया है, तो आखिर उस भयंकर परी ने गज्जू को कहाँ छुपाया है, जहाँ हम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे? है लगता मुझे हो गया है आपका दिमाग खराब, जानबूझकर कूद रही है आप खाई में।
अरे अगर रहना ही था आपको परीलोक में गज्जू के साथ तो चुराया ही क्यों उसको? मैंने गज्जू को चुराया है ताकि महागजनी परीलोक और रानी परी को समाप्त कर दे। अरे तो चलिए है छुपते कहीं हो, क्योंकि चल गया पता महागजनी को कि है उसका पुत्र यहाँ, तो रानी परी से पहले कर देगी वो आपका अंत। हंस रही हो आप? इसीलिए तो मैं तुम्हें बेवकूफ बुलाती हूँ तौबा तौबा, क्योंकि हर बार तुम ये भूल जाते हो कि जहाँ इन सच्ची परियों की सच्चाई की सोच खत्म होती है वही भयंकर परी की बुराई की सोच शुरू होती है। महागजनी कभी मुझ तक यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। और ऐसा होगा क्यों नहीं? डाले इस पे भी आप जरा अपनी ज्ञान की रोशनी। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि परिया और बालवीर मुझे हर जगह हर लोक में ढूंढेंगे सिवाय परीलोक में। वो ये सोच भी नहीं पाएंगे कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं उनके इतने करीब उन्हीं के परीलोक में छुपा बैठा है। मा, मा। चिल्लाओ जितना मामा चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन मेरे प्यारे हथियार गज्जू तुम्हारी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, और तुम भी यहाँ से बाहर तभी जा पाओगे जब तुम्हारी माँ महागजनी परीलोक और रानी परी का विनाश करेगी। ऐसा क्यों लगा जैसे मेरा गज्जू मुझे पुकार रहा है? उसे मेरी जरूरत है, मुझे वापस जाना चाहिए। बेचारा मानव अकेला बैठा है। अरे केवल ये मोंटू बॉस थोड़ी ना कि अकेला बैठेगा तो भी ऐसा लगेगा कि चार जन बैठे हैं। तो अकेला ही बैठेगा ना केवल। वैसे भी इसके सारे दोस्तों सचिन और सलोनी को अपना दोस्त बनाने चले गए हैं। नहीं, मेरे दोस्त सिर्फ मेरे ही दोस्त हैं। उस थे मानव, लेकिन अब वो सब सचिन के दोस्त बनेंगे। कोई भी सचिन का दोस्त नहीं बनेगा। बहुत भोला है रे तू मानव, बहुत भोला है। अरे भोले मतलब मानव, वो क्या है ना, अब तू अकेला इंटेलिजेंट नहीं है क्लास में। हाँ, अब सचिन और सलोनी भी इंटेलिजेंट किड्स है, ऐसा यश भी कह रहा था। यश? ये यश कौन है? वो सचिन का दोस्त। और सचिन का दोस्त यश ये भी कह रहा था कि सचिन और सलोनी के पापा स्कूल के टीचर है, मतलब एक्स्ट्रा हेल्प। ग्रेस मार्क्स भी सचिन सलोनी के ही हाथ में। मानव, हम दोनों भी यही सोच रहे कि मोंटू बॉस का साथ छोड़ के हम दोनों भी सचिन और सलोनी का साथ दे दे। हाँ, क्योंकि समझदारी तो उसी में है। चल रोहित। हाँ चल, बाय मानव। बाय बाय। परियों, चाहे कुछ भी हो जाए, महागजनी के यहाँ पहुँचने से पहले हमें गज्जू की तलाश करनी ही होगी। हाँ रानी परी, हमें गज्जू को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। हर एक बीते पल के साथ साथ गज्जू पर खतरा बढ़ते जा रहा है। पता नहीं गज्जू का अपहरण करके ये भयंकर परी कौन सा नया खेल खेल रही है। भयंकर परी का खेल चाहे जो भी, लेकिन हम उसकी चाल में आ ही गए। इसलिए वो जो भी खेल खेलना चाहती
उसमें वो कामयाब हो रही। नहीं बालवीर, इस समय भयंकर परी के बारे में मत सोचो, बल्कि सोचने वाली बात तो ये है कि तब क्या होगा जब महागजनी सुबह यहाँ आएंगी और हमसे गज्जू के बारे में पूछेंगी। तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उन्हें? कैसे समझाएंगे हम ये महागजनी को कि हम सारी परियां मिलकर भी उनके पुत्र गज्जू की सुरक्षा नहीं कर पाए? हाँ, कैसे उन्हें बताएंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए? महागजनी गज्जू से बहुत प्यार करती है और हमें डर है कि ये खबर सुनकर राजा ने वो क्या कर बैठेंगे, और हम उसे ये सब छुपा भी तो नहीं सकते। हमें उन्हें ये सब सच बताना ही पड़ेगा रानी परी। हमें पूरा विश्वास है कि महागजनी इस बात को जरूर समझेंगी कि भयंकर परी ने ये सब अपनी हार का बदला लेने के लिए किया है। काश ऐसा ही हो जैसा आप कह रही है भटकाती परी। काश महागजनी भयंकर परी की चाल को समझ पाए और हमें गलत ना समझे, वरना पूरे परीलोक में कहर आ जाएगा। महागजनी इतनी जल्दी कैसे आ गई? गज्जू कहाँ है? मेरा पुत्र गज्जू कहाँ है रानी परी? आप सबको ऐसे चुप देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पुत्र गज्जू ठीक नहीं है? महागजनी, महागजनी, आपका पुत्र गज्जू आप कहीं खो गया है। आप कहीं खो गया है। आप कहीं खो गया मेरा पुत्र गज्जू नहीं मिल रहा है? मैं उसे आपके पास छोड़कर गई थी और आप सब कह रहे हैं कि वो खो गया है? महागजनी, महागजनी, हमें लगता है कि गज्जू का अपहरण, गज्जू का अपहरण, गज्जू का अपहरण। बैठो बैठो, मैं तो माफी मांगने आया था, सॉरी कहने आया था। बैठो बैठो बैठो। सॉरी? हाँ, वो क्या ना, मैंने जो किया ना, वो एक्चुअली मेरा गुस्सा था वो मानव पे, बट वो गलती से तुम्हारे ऊपर निकल गया, उसके लिए आई एम सॉरी। बट हाँ, तुमने आज जो क्लास में किया ना, उसके बाद मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ पता है, बट ये दिल है के मानता नहीं। वो सब छोड़ो, तुम्हें यश ने कुछ बताया? यश कौन? मानव का दोस्त। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। क्यों, वैसा क्या कहने वाला था? वैसे वो कुछ खास बताने नहीं वाला था, बस इतना ही कि सचिन ने एक सवाल का जवाब क्या दे दिया, सब उसके फैन बन गए, सब उसे इंटेलिजेंट समझने लगे। सचिन इंटेलिजेंट ही है। हाँ, यश ने भी यही कहा। यश कौन है? मानव का दोस्त। मानव कह रहा था कि उसे पता है सचिन एक नंबर का डफर है, उल्लू है, गधा है, कमकल है। ऐसे मैं नहीं, मानव कह रहा था। हाँ, मानव ने ये भी कहा कि सचिन का कुछ नहीं हो सकता। मानव ने ऐसा क्यों कहा? वो तो जानता है ना कि सचिन बहुत होशियार है। हाँ, यश ने भी ऐसा ही कहा। अरे ये यश कौन है? मानव का दोस्त। पर मानव कहने लगा कि वो दिखाएगा।
और सब लोग देख लेंगे। और उसने ये भी कहा कि अपनी पापा की मदद से तो कोई भी हीरो बन सकता है। आखिर तुम्हारे पापा टीचर जो है? नहीं, हमारे पापा एग्जाम्स में हमारी एक्स्ट्रा हेल्प नहीं करते हैं। हाँ, यश ने भी यही कहा। ये यश कौन है? मानव का दोस्त। बट मानव, मानव को गुस्सा आ गया, वो चिढ़ गया, वो चिल्लाने लगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अच्छा माजू फटाकी, तुमने दो उस चिड़ू को। अरे वो क्या दिखाएगा मुझे? मैं उसे दिखाऊंगा कि इंटेलिजेंट बच्चे क्या होते हैं। और उस यश को भी कह देना। यश कौन? मानव का दोस्त। हाँ हाँ, बोल दूंगा। शाबाश, लग रही है आग, लग रही है। शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरे पुत्र का अपहरण हुआ है और आप चाहते हैं मैं कुछ ना कहूं? महागजनी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। अब मैं आप सब की कोई बात नहीं सुनूंगी। रुक जाइए महागजनी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। महागजनी, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और आप चाहते हैं कि मैं भी कुछ ना करूं, शांत बैठ जाऊं? हम जानते हैं महागजनी, अपनी जिम्मेदारी निभाने में हमसे चूक हो गई, लेकिन गज्जू का अपहरण करने वाली भयंकर परी। ये मैं नहीं जानती। गज्जू की सुरक्षा का ख्याल आपको रखना चाहिए था। क्यों अकेला छोड़ा आपने मेरे पुत्र को? आप हमारा विश्वास कीजिए, हम भयंकर परी को गज्जू से छुड़ाएंगे भी और उसे इसकी कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बालवीर, भयंकर परी मेरे सामने आई तो मैं उसके प्राण ले लूंगी, लेकिन मैं माफ परियों को भी नहीं करूंगी। अगर मेरे पुत्र गज्जू को खरोच भी आई तो। महागजनी, ये वादा है हमारा आपसे महागजनी कि हम गज्जू को जरूर वापस लाएंगे। हाँ महागजनी, लेकिन तब तक आप अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि हो सकता है ये भयंकर परी की चाल हम सब परियों को आपस में लड़वाने की। ठीक है, अभी तो मैं आपकी बातों पे विश्वास कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि ये गलती भयंकर परी की नहीं आप सबकी है तो मैं आप सबका और परीलोक का विनाश कर दूंगी। हाँ महागजनी, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर गलती हमसे हुई है तो हम खुद आपसे अपने लिए सजा की मांग करेंगे। अभी तो जैसे तैसे हमने मना लिया महागजनी को, पर हम गज्जू को वापस लाएंगे कैसे भयंकर परी से? हाँ, क्योंकि हमें तो सचमुच नहीं पता कि आखिर भयंकर परी ने गज्जू को कहाँ छुपाया है। आप सही कह रही हैं आरपार परी, लेकिन पता तो लगाना होगा और वो भी जल्द से जल्द। हाँ, वरना महागजनी कुछ भी कर सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बालवीर, हमें किसी भी तरह गज्जू तक पहुँचना ही होगा। ओ बुराई की रानी, नीचे देखिए,
परीलोक से रानी परी का अंत किए बिना। क्या? अरे है फंसा लिया महागजनी को परियों ने अपने बातों में। सारी बातें बेकार हो जाएंगी जब मैं अगला वार करूंगी। तौबा तौबा, अगर महागजनी ने अब तक वार नहीं किया तो वो वार करेगी, और इस बार उसका वार दुगना होगा। और होगा ऐसा कैसे? आप जाकर समझाएंगे उसे? हाँ है? मैं जाऊंगी महागजनी के सामने, और वो भी गज्जू को लेकर। तो महागजनी रानी परी का नहीं करेगी आपका अंत। बेवकूफ, मैं महागजनी के सामने भयंकर परी नहीं बल्कि रानी परी बनके जानी परी बनके जानी परी बनके जानी। और जब महागजनी रानी परी के हाथों में गज्जू को देखेंगी तो उसे लगेगा कि रानी परी ने उससे झूठ बोला है, कि उसे नहीं पता कि गज्जू कहाँ है, और फिर वो रानी परी को छोड़ेगी नहीं। लेकिन परी भयंकर है, कर सकती रानी परी भी महागजनी का अंत, क्योंकि है वो भी तो महाशक्तिशाली। शक्तिशाली तो है लेकिन अच्छी और सच्ची परी भी तो है। वो खुद पर वार सह लेगी लेकिन किसी बेकसूर पर वार कभी नहीं करेगी। और तो और वो ये जानती है कि सब में महागजनी की कोई गलती नहीं है। लेकिन परी भयंकर, अगर निकल गया गज्जू गलती से परीलोक में आपके हाथ से, या बोल दिया उसने महागजनी को सच, तो इसीलिए तौबा तौबा गज्जू वहां नहीं जाएगा। पर अभी तो कहा आपने कि जाएगा गज्जू। गज्जू जाएगा लेकिन असली गज्जू नहीं जाएगा। तुम चलोगे मेरे साथ गज्जू के रूप में। हाँ तो चलिए, शुभ कार्य में है किस बात की देर। अभी नहीं तौबा तौबा, थोड़ा समय और गुजरने दो। महागजनी जितनी देर गज्जू से दूर रहेगी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना तेज उसका गुस्सा होगा उसका वार उतना ही खतरनाक। माँ की याद आ रही है मेरे प्यारे गज्जू को? माँ के पास जाना है। ले 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 ले, गज्जू आ रही है माँ की याद? हाँ, मुझे माँ के पास जाना है क्योंकि आप अच्छी नहीं है, मेरी दोस्त नहीं है। हाँ मैं अच्छी नहीं हूँ बल्कि मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, और इसीलिए तुम अब अपनी माँ के पास कभी नहीं जा पाओगे। माँ, महेश, इतने दिन हो गए हमें ढंग का एक घर नहीं मिला अभी तक। ये मुंबई है गजानन, यहाँ काम आसानी से मिल सकता है, जो तुझे मिल गया है, लेकिन घर आसानी से नहीं मिलता। मतलब नहीं मिलेगा? नहीं मतलब, अरे मतलब नहीं नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये है कि भाई इतना बड़ा घर है, यहाँ रहना, तू क्यों घर की चिंता करता है, जाने दे। वो तो है। और पापा, आप और गजानन सर एक ही स्कूल में पढ़ते? बेटा, सर मैं स्कूल में हूँ पर इथे मी तुझा काका है, चाचा अंकल हो बेटा। तो पापा, आप और गजानन अंकल एक ही स्कूल में पढ़ते थे ना? अरे स्कूल में क्या, बल्कि हम तो एक क्लास में थे। अरे हम एक बेंच पे बैठते थे। हाँ? तो फिर आप दोनों में से फर्स्ट कौन आता था? मैं। आप दोनों एक साथ फर्स्ट कैसे आ सकते हो? अरे ऐसा नहीं, पढ़ाई में गजानन सर फर्स्ट आता था और स्पोर्ट्स में मैं फर्स्ट आता था। और ड्रामा में मैं फर्स्ट आता था और डिबेट में महेश फर्स्ट आता था। चलिए नाश्ता रेडी है। अरे चलो भाई, चलो नाश्ता रेडी। अरे बापूजी को बुला लेते। बापूजी, बापूजी नाश्ता रेडी, आइए बापूजी। बापूजी, बापूजी।
बापूजी बापूजी नाश्ता रेडी बापूजी मैं अच्छा मंदिर गए थे आप आइए आइए रेडी है नाश्ता वही नहीं शुक्र है शुभांगी ने कुछ नहीं बनाया अरे नाश्ते का समय और मैं कुछ ना बनाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना धैंडन सॉरी मैंने ना भिंडी और कद्दू के पकोड़े बनाए हैं आलू और प्याज की चटनी के साथ क्या भिंडी और कद्दू के पकोड़े और आलू और प्याज की चटनी अरे बापूजी बापूजी अब आलू और प्याज के पकोड़े तो कोई भी बनाता है लेकिन मैं ना हमेशा नई नई चीजें ट्राई करती हूँ लेकिन मैंने अभी इस बात का घमंड नहीं किया अय्या हो लीजिए ना बापूजी बापूजी क्या है ना शुभांगी हमेशा नभो आभो पे विश्वास रखती है नभो आभो नया भोजन आकर्षक भोजन वो क्या नए तरीके से भोजन बनाने से वो आकर्षक बन जाता है आकर्षक नहीं होगा आक्रामक होगा बापूजी आकर्षक उसके लिए आक्रामक हमारे लिए काय तू भी पढ़ माँ चटनी देना हाँ अरे सचिन मानो को चटनी दो वो मांग रहा है ठीक है अभी ठीक है सलोनी मुझे नहीं ये सम नहीं आ रहा है मुझे भी नहीं मिल रहा इसका आंसर काम करते मानव से पूछती हूँ नहीं तो बैठ जा अगर हम मानव से कहेंगे तो उसे लगेगा कि हम डफर हैं हमें कुछ नहीं आता और हम अपना होमवर्क खुद करेंगे कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं एक क्वेश्चन तो ठीक से कर नहीं सकते सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं मानव अब से हर चीज में मैं ही फर्स्ट आकर दिखाऊंगा सचिन बहुत जीनियस बनता है ना अब देख कैसे हराऊंगा मैं तुझे बॉस
एक सवाल पूछूं? अरे बॉस, बिना सवाल पूछे ही बजा दिया। क्योंकि मैं जानता हूँ कौन सा समझदारी वाला सवाल पूछेगा। बॉस, आप इस समझदारी वाले सवाल पर कौन सा समझदारी वाला जवाब देने वाले थे? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बॉस, मैं तो ये पूछने वाला था कि आपका वो मानव और सचिन को लड़वाने वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब होने वाला है या नहीं। मौन की तबीयत इस लखा नहीं, लड़वाने में और लड़ने में कभी फेल नहीं होता। बॉस, वो देखो मानव अकेले आ रहा है। मानव, अच्छा हुआ दुआ जल्दी आ गया, मेरा होमवर्क करवा देगा? हाँ हाँ, करवा दूंगा, पर थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, बाद में। मानव, अरे मानव रुकना। ओए बुकी, चलो बस जा पाओगे? वेरी गुड, वेरी बैड बुकी, वेरी बैड, वेरी बैड। रियली मॉन्टू बॉस इज वेरी बैड। चुप बुकी, मैं मानव की बात कर रहा था। वेरी बैड, उसने जो होमवर्क में हेल्प नहीं किया ना। ठीक है, तुझे होमवर्क करना है तो मुझे बोल, मैं तुझे होमवर्क कराऊंगा। मॉन्टू, यहाँ खाने की नहीं होमवर्क की बात हो रही है। हाँ मॉन्टू, और तेरी दीक्षा ने मैं तो वर्कशॉप है ही नहीं, तो तू मेरा होमवर्क कहाँ से करेगा? कर पगले, रुलाएगा क्या? मतलब मैं तेरा होमवर्क नहीं करूंगा, मैं किसी से करवा के लूंगा। वो कौन? भूल गए? हमारे स्कूल में मानव के अलावा दो नए इंटेलिजेंट किड्स हैं, सचिन और सलोनी। वो तुम्हें होमवर्क में हेल्प करेंगे। अरे हाँ, मैं भी बिल्कुल बेवकूफ हूँ तेरी तरह। मेरा मतलब थैंक यू मॉन्टू। थैंक यू टू यू पुकी। बस कल पगले, रुलाएगा क्या? हाय पुकी। हाय। हाय सचिन। हाय सचिन, तू मेरा होमवर्क कर देगा? अट्टा माजी फटेगी। चिल चिल चिल। हाँ हाँ, चलो क्लासरूम में, मैं तेरी हेल्प करूंगा। चल चलो। बाय बाय। मिल गया आज का तेज, जो मैं मानो और सचिन को चुबाऊंगा और इन दोनों को आपस में लड़वाऊंगा। अरे बन चाहिए जल्दी से रानी परी, कहीं देख ना ले हमें कोई। महागजनी, अब मैं अपना खेल शुरू करूंगी। अरे करने से पहले खेल शुरू, बदल दीजिए अपने राजा का, वजीर का रूप। अरे कम से कम पिंजरा तो बड़ा बना देती आप। तौबा तौबा, माफी, माफ कर दीजिए मुझे। कहिए है क्या करना? महागजनी को पुकारो। अभी हूँ पुकारना। महागजनी! तौबा तौबा, महागजनी नहीं माँ। और इतने प्यार और दर्द से पुकारो कि वो महागजनी तुम्हारे पीछे आ जाए। ओ माफी, हूँ जाता हूँ मैं, भूल हूँ नहीं ना मैं अच्छा कलाकार आपकी तरह। ये तो मेरे गज्जू की आवाज है। हाँ, ये मेरे गज्जू की ही आवाज है। गज्जू, गज्जू बेटा कहाँ हो तुम? ये तो रानी परी है यहाँ, लेकिन उन्होंने गज्जू को पिंजरे में क्यों बंद किया हुआ है? महागजनी की आवाज में गुस्से के साथ साथ दर्द भी सुनाई दे रहा है, लेकिन हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा
कि हम उनका ये गुस्सा, उनका ये दर्द कम कैसे करें। ये तो सिर्फ तभी हो सकता है नटखट परी, जब हम महागजनी को उनके पुत्र गज्जू से मिलवाएंगे। काश काश हम जल्द से जल्द महागजनी को उनके पुत्र से मिलवा दें। रानी परी मेरी बात सुनिए। रानी परी बेवकूफ महागज, कितनी आसानी से मेरे जाल में फंस रही। हाँ हाँ गज्जू, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। चल बुकी, तेरा होमवर्क करवा देता हूँ। मानव अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, सचिन और सलोनी ने मेरा पूरा होमवर्क कम्प्लीट करवा दिया है। हाँ मानव, सचिन ने बहुत अच्छे से होमवर्क पूरा करवा दिया, वो दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट है। चल मानव, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम बाहर खेल कर आते हैं। आ जा, तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? ठीक है। सचिन को पुकी का होमवर्क करवाने की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूँ सचिन ने जानबूझकर ऐसा किया। सचिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ यार, सारे टिफिन अकेले ही खा गया। मतलब बल्कि यश तो ये कह रहा था कि सचिन सबसे कह रहा है कि आज से वो मानव की जगह सब बच्चों की हेल्प करेगा। हाँ, बस सबको मानव की जगह उसका दोष बनना पड़ेगा। सचिन को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वो क्या नभा है, आजकल बहुत कंपटीशन का जमाना आ गया है, इसलिए जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो बंदर। चल बाय बंदर। माना बाय माना। बाय बाय। सचिन, मुझे तो देखते ही पता चल गया था तू एक इंटेलिजेंट बच्चा है। और यश भी ऐसे ही कह रहा था। यश मानव का दोस्त। हाँ, पर यश ने मुझे एक बात भी बताई कि मानव ऐसा नहीं मानता। मानव के मानने या ना मानने से क्या होता है? हाँ, यश भी यही कह रहा था, बट वो मानव कहने लगा कि मानव बाकी सबको दिखा देगा कि सलोनी और सचिन इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है। वो बोल रहा था कि किसी का होमवर्क कंप्लीट करवा देने से कोई इंटेलिजेंट थोड़ी ना हो जाता है। हमने पुकी की मदद, उसकी हेल्प ले की, अपने इंटेलिजेंस दिखाने के लिए थोड़ी ना की। कमाल है, यश भी यही कह रहा था। मानो मानो किसी की बात सुनता है क्या? नहीं नहीं सुनता। उसे तो लगता है कि वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चा है इस दुनिया का। और हम भी उससे कम नहीं है। जब हम क्लास में फर्स्ट आएंगे तब उसे भी ये समझ आ जाएगा। और यश ने भी ऐसे ही बोला होगा। अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता? अरे दोस्त है ना। कौन? यश। हाँ हाँ, यश मुझे एक और बात बता रहा था कि वो मानव है ना, वो बोल रहा था जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। मैं भी मानव को साबित कर दूंगा कि मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं सिकंदर और वो हारा हुआ बंदर। मैं सचिन को साबित कर दूंगा कि मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और इस क्लास में मैं सिकंदर हूँ और वो बंदर है।